फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेकंड चैप्टर जो था डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसमें एक टॉपिक आता है सेल्स एंड टिश्यू, है ना। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा सेल्स एंड टिश्यू का ओवरव्यू, सेकेंड होगा सेल के फंक्शंस, थर्ड होगा टाइप्स ऑफ सेल्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सेल्स एंड टिश्यू का ओवरव्यू, जिसमें हमको सबको पता है कि बेसिक यूनिट ऑफ द टिश्यू इज द सेल, and the basic unit of life is the cell, and the smallest structural and functional unit of the life is also a cell, है ना, सब जानते हैं ना। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये ट्रिलियंस सेल्स से मिलकर बनी है, कई खरब कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जो कि हर एक सेल्स का एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है उनकी लाइफ के लिए, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक जो बोन की सेल्स हो गई हैं, जो क्या करती हैं, एक हड्डियों को बनाती हैं और उनको जनरेट करती हैं हड्डियों को, है ना। तो ये बोन सेल्स का काम हो गया। एग्जांपल दूसरा है जैसे कि नर्व की सेल्स हैं, तो नर्व सेल क्या करती हैं कि ये मैसेज को सेंड करती हैं ब्रेन में पूरे बॉडी के माध्यम से, और ये एक तरीके से कोई ना कोई एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, है ना। तो अब जो थर्ड सेल एक तरीके से मान लीजिए ब्लड की सेल्स हैं, ब्लड की सेल्स का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को ले जाती हैं अपने साथ में, और ये हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसको सपोर्ट करती है। अब एक तरीके से फोर्थ एग्जांपल मैं आपको बता दूँ कि मेल एंड फीमेल की जो सेक्स सेल होती हैं, इनका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है, क्योंकि मेल फीमेल सेल जब आपस में मिलती हैं तब जाके एक नई ऑफस्प्रिंग या नई स्पीसीज का जन्म होता है, है ना। तो उसमें भी क्या होता है कि हर एक सेल एक मैसेज प्रोवाइड कराती है मैनुअली, हर एक सेल को, जिससे भी एक सेल से दूसरी सेल बनी है तो मैसेज प्रोवाइड कराएगी कि तुम्हारा स्पेशली काम क्या है, है ना। तो इसमें है वो जो भी सेल्स होगी वो मैनुअली टेलिंग सेल हाउ टू फंक्शन एंड रेप्लिकेट, है ना। अब हम बात करते हैं सेकेंड है कि सेल के फंक्शंस का क्या है, है ना। तो एवरी सेल हैज़ स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज जो फंक्शंस होते हैं, वैरायटी अलग अलग उनकी अलग अलग होती है कौन सी सेल्स का क्या काम है। तो एग्जांपल जैसे कि बोन के सेल्स हैं, बोन के सेल्स क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं बोन को। ब्लड के सेल्स हैं, क्या करती हैं, कैरी करती हैं ऑक्सीजन को ले जाती हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। नर्व के सेल हैं जो सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं, और मसल्स के सेल हैं जो बॉडी को मूव करती हैं, मूवमेंट प्रोवाइड कराती हैं। स्किन सेल्स हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं ऑर्गन को। सेक्स सेल हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से हमारी जो इनके जो फंक्शंस हैं सेल के, इस तरीके से हैं। अगर हम इसी को अब थर्ड जो था हमारा, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो इसके टाइप्स मेनली एक तरीके से दो हैं। वैसे सबको पता है कि जो हमारी बॉडी में करीब 200 से ज़्यादा कोशिकाएँ हैं जिनका एक अलग फंक्शन है, जिसमें सोमैटिक सेल होती हैं और दूसरी सेक्स सेल होती हैं। सोमैटिक सेल में मोस्टली सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, सारी सेल्स, जैसे कि रेड ब्लड सेल हो गई, न्यूरॉन्स हो गए, स्केलेटन सेल्स हो गई, ऑस्टियोसाइट सेल्स हो गई, है ना, जितनी भी सेल्स हैं ये सब सोमैटिक सेल्स में आती हैं। बट जो सेक्स सेल होती हैं इसमें आपकी दो ही सेल्स होती हैं, जो कि स्पर्म सेल और एग सेल ओनली, है ना। तो अब ये क्या करती हैं, जब स्पर्म सेल और एग सेल्स मिलेंगी तो एक तरीके से एक जायगोट फॉर्म होता है। वो जब भी दो सेक्स सेल मिलती है तब जायगोट फॉर्म होता है, कब, जब कोई फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, है ना। अब है कि जो सेल है हमारी वो मल्टीप्लाई करती है ना, डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद एम्ब्रायो बनता है ना। उसके बाद उसका जो चेंज है वो शेप है, जो शेप चेंज होता है उसका स्ट्रक्चर शेप चेंज होता है, और वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी का पार्ट है या कौन सा जेनेटिक कोड है जो एक्टिवेटेड है उस सेल्स में, जिस पार्ट को उसको डेवलप करना बढ़ाना है, है ना। तो इस जो जेनेटिक कोड का जो एक्टिवेशन होता है एक स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए या शेप के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में इसी में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू का पढ़ेंगे। तो मुझको कमेंट करके बताइएगा, आपको अगर अच्छा लगता है तो मैं आपको हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।